भक्तेश्वर अगेन. सच कहूँ तो ये कुछ ऐसे डायलॉग्स हैं जो मैं आपको सुनाऊंगी, जो आपने बहुत बार सुने होंगे. ही टोल्ड मी दैट ही डजंट लाइक हिज वाइफ एंड देयर नॉट गेटिंग अलोंग फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड यू फॉल इन लव विद हिम एंड ही इज अ मैरिड गाय. एंड तो आप बोलते हैं कि अच्छा तो फिर व्हाई डोंट यू सेपरेट, नो नो देयर किड्स एंड you know I don't feel like and you know let's carry on, let's see what happens maybe someday. to aapko badi ummeed ho jati hai to phir aap shuru shuru mein kabhi kabhi milte hain phir aap bolte hain holiday pe bhi jana hai uske sath usko badi problem hoti hai kyunki kya keh ke jaye wo jhoot bol ke jata hai uske baad phir aap bolte hain mujhe to nights bhi stay karna hai ab aap usko bahut pressurize karte hain to wo kahin hotel mein aur kahin jagah aap dhoondte hain jahan pe aap night bhi spend karte hain फिर आप ज़्यादा नाइट स्पेंड करना चाहते हैं और फिर अल्टीमेटली यू वांट टू मैरी हिम एंड यू पुश हिम कि आप अपनी वाइफ को डिवोर्स करो. हाँ हाँ थोड़ा वेट करो आई एम वर्किंग ऑन इट, यू नो इट्स नॉट सो इजी, देयर इज प्रॉपर्टी, देयर इज दिस, देयर इज बैंक अकाउंट्स, एवरीथिंग. सो यू आर नॉट नाउ, यू आर गेटिंग पैनिकी, यू आर गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड एंड यू डोंट नो व्हाट टू डू. कभी ये भी सोच लेते हैं आप कभी कभी कि उसकी वाइफ को फ़ोन करके बता देती हूँ कि उसका हस्बैंड ऐसा है. करते 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 इतना सब कुछ कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कि फाइनली ही सेस छोड़ो यार, मुझे नहीं इतना कॉम्प्लिकेशंस में जाना, बस करो मुझे नहीं चाहिए. एंड ही सेस एफ ओ टू यू, देन व्हाट डू यू डू. सो सच कहूँ तो प्लीज़ डोंट गेट इन्वॉल्व विद अ मैरिड मैन, डू नॉट फॉल इन लव विद अ मैरिड मैन. I have done this before. I have suffered. That's why I'm telling my friends, you all,